हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट रिलेटेड। सो आज आम मॉक टेस्ट नंबर 22 को डिस्कशन करवा। या पूर्व आम ऑलरेडी 21 टी आम मॉक टेस्ट डिस्कशन कर सारे, जहाँकि आपण मैंने यूट्यूब चैनल प्लेलीस्ट जाए देखिपारे। तेज जदि यही क्लास पीडीएफ गुड़िक नाक चाहते तेज आम कम्युनिटी यूट्यूब चैनल कम्युनिटी आम अच्छी टेलीग्राम लिंक से जॉइन हो पारे। तेज आपने 45 रू के स्कोर कले निहाती आम कमेंट सेक्शन में जन लास्ट रे। तबे आज क्लास टू को हमें स्टार्ट करवा डेरी न करी टी क्लास टी स्टार्ट करिया पूर्व आपण मैंने जो मैंने देखुथिबे टी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करदे और सांग मानक सहित शेयर करदे। जेहेतु आपण मानकर एग्जाम टी आउ खूब कम दिन रहिला, आपण मैंने जिते पारे एमसीक्यू प्रैक्टिस करंतु। तबे आज क्लास टी को चलन आम स्टार्ट करवा। क्वेश्चन नंबर 1 कौन देला देखंतु। क्वेश्चन नंबर 1 ने देला कि द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पेसेस इन द वर्ल्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय। सबुठ हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पेसेस आमर जो वर्ल्ड रे कौथे रिप्रेजेंटेड अच्छा। क्वेश्चन टी कौन देला भलसे देखो। हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पेसेस इन द वर्ल्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय, सबुठ कौटि अधिका अच्छा स्पेसेस हाईएस्ट नंबर कौटि अच्छा वर्ल्ड रे। ऑप्शन ए मोसेस, ऑप्शन बी अल्जी, ऑप्शन सी लाइकेन, ऑप्शन डी फंजी। तेब यार आंसर कौन हम आम सबुठ हाइएस्ट नंबर कौटी अच्छा। तेब यार आंसर आमर होना फंजी। फंजी में आम सबुठ अधिक नंबर बा हाइएस्ट नंबर स्पेसीस अच्छा। तेज नेक्स्ट जी नेक्स्ट देखो कौन देला। नेक्स्ट आम क्वेश्चन नंबर 2 रे देला कि लीफ एब्सेंस इज कॉज्ड बाय। लीफ एब्सेंस जो आम होता क्या लगी होता है। ऑप्शन नंबर ए रे कौन देला देखो। लीफ एब्सेंस इज कॉज्ड बाय, ऑप्शन ए रे कौन देला एबीए एब्सेंसिक एसिड, ऑप्शन बी रे देला साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी रे देला ऑक्सिन, ऑप्शन डी रे देला जिबरलिन। तेब आम लीफ एब्सेंसटा क्या लगी होता है कौन पर कॉज्ड होता है लीफ एब्सेंसटा। तेब यार आंसर कौन हो यार आंसर होमर कौन ना एबीए एब्सेंसिक एसिड। तेब नेक्स्ट जी नेक्स्ट देखो कौन दे। तेब क्वेश्चन नंबर 3 आमर कौन देला। हाउ मेनी पोलार न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द सेंट्रल सेल। तेब आम सेंट्रल सेल रे केतेटा पोलार न्यूक्लियाई प्रेजेंट थाए। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तेब आम पोलार न्यूक्लियाई रे केतेटा सेंट्रल सेल प्रेजेंट थाए। तेब यार आंसर कौन होमर ऑप्शन नंबर बी 2, आम दुईटा पोलार न्यूक्लियाई प्रेजेंट थाए सेंट्रल सेल रे। तेब नेक्स्ट जी नेक्स्ट कौन देला देखा। नेक्स्ट देखिए कि आम क्वेश्चन ने व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर बॉर्न डिजीज। एम भितर कौटा गोटे आम एयर बॉर्न डिजीज नुहे। ऑप्शन ए ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, ऑप्शन बी कॉफी रस्ट, ऑप्शन सी ब्लास्ट ऑफ राइस, ऑप्शन सी पोटैटो मोज़ेक डिजीज। तेब यार आंसर कौन हम। तेब यार आंसर कौन हम कौटा भितर आम एयर बॉर्न डिजीज नुहे। तेब यार आंसर आम कौन हो पोटैटो मोज़ेक डिजीज। पोटैटो मोज़ेक डिजीजा गोटे एयर बॉर्न डिजीज नुहे। तेब नेक्स्ट जी नेक्स्ट कौन देला देखा। नेक्स्ट देला कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। एम भितर आम कौ डिजीजा बैक्टीरिया कॉज करें। ऑप्शन ए रेड रॉट ऑफ सुगर केन, ऑप्शन बी ब्लैक रॉट ऑफ क्रुसिफेरस, ऑप्शन सी ब्राउन रॉस्ट ऑफ व्हीट, ऑप्शन डी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तेब यार आंसर कौन होमर कौ डिजीजा बैक्टीरिया कॉज करें। तेब यार आंसर कौन होमर ब्लैक रॉट ऑफ क्रुसिफर्स। तेब यार आंसर कौन हो आम ब्लैक रॉट ऑफ क्रुसिफर्स। तेब नेक्स्ट जी नेक्स्ट देखो कौन देला। नेक्स्ट आम क्वेश्चन ने कौन देला पढ़वा। नेक्स्ट देला कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज डिजीज इन प्लांट फ्रॉम द फॉलोइंग। एम भितर सबुठारु कॉमन कॉज डिजीज प्लांट रो कौटा। ऑप्शन ए फंजी, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। तेब यार आंसर कौन हो सबुठ कॉमन कॉज डिजीज इन प्लांट कौटा भितर। तेब यार आंसर कौन हो यार आंसर होमर कौन ना फंजी। तेब यार आंसर आम कौन हो फंजीटा हूँ सबुठ कॉमन कॉज डिजीज इन प्लांट। तेब नेक्स्ट जी नेक्स्ट कौन देला देखा। नेक्स्ट देला कि द फास्ट स्टेप फॉर इनिशिएशन ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी। आमर फास्ट स्टेप जो फोटोसिंथेसिस रे आमर इनिशिएशन कौन होता है। ऑप्शन ए फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ऑप्शन बी एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ड्यू टू अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन सी एटीपी फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज फॉर्मेशन। तेब आम फास्ट स्टेप कौन होता है फोटोसिंथेसिस रे। तेब यार आंसर कौन हो यार आंसर ऑप्शन नंबर बी कौन ना एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ड्यू टू द अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तेब आम फोटोसिंथेसिस फास्ट स्टेप कौन होता है एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ड्यू टू द अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट।
तबे नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट कौन दला देखिबा नेक्स्ट दला कि क्रेन्स एनाटॉमी इज टिपिकल ऑफ क्रेन्स एनाटॉमी हमर कहार गोटे टिपिकल बा क्रेन्स एनाटॉमी हमें केउठारे देखिया को पाइथांती ऑप्शन ए सी फोर प्लांट ऑप्शन बी सी थ्री प्लांट ऑप्शन नंबर सी सी टू प्लांट ऑप्शन नंबर डी काम प्लांट तेब आम क्रेन्स एनाटॉमी कौ टाइप प्लांट आम देखा पाई तेज यार आंसर कौन हो तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यार आंसर होमर कौन ना सी फोर प्लांट आम क्रेन्स एनाटॉमी देखा पाई तेज नेक्स्ट जी नेक्स्ट देखो कौन देला नेक्स्ट है कि द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ फोटोसिंथेसिस इज आमर यूनिक फीचर आमर गोटे मोस्ट यूनिक फीचर फोटोसिंथेसिस कौन तेब चलत आम ऑप्शन गुड़िक पढ़ीदा कौन देला प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्रोडक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ फूड फूड प्रोडक्शन होता है कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी आमर लाइट एनर्जीटा को आम केमिकल एनर्जी ने कन्वर्ट कर तेब एम भितर कौटा गोटे यूनिक फीचर फोटोसिंथेसिस तेब यार आंसर कौन हो यार आंसर होमर ना कौन ऑल ऑफ दिस ये सबुतिक फीचर आमर यूनिक फीचर बा मोस्ट यूनिक फीचर हूँ आमर फोटोसिंथेसिस ये सबुतिक प्रोसेस आमर फोटोसिंथेसिस होता है तेब नेक्स्ट जी नेक्स्ट आमर कौन देला देखा नेक्स्ट आमर क्वेश्चन कौन देला ना ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज आमर फोटोसिंथेसिस जो होता है आमर ऑक्सीजन सोर्सटा किए कौटी थाए ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन बी ग्लूकोज ऑप्शन सी वाटर ऑप्शन डी एनर्जी तेज यार आंसर कौन यार आंसर होमर ऑप्शन नंबर सी वाटर तेबे आमर कौन देला ना ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन किए आमर ऑक्सीजन सोर्सटा कौटा तेज यार आंसर कौन हो गला ना वाटर तेज नेक्स्ट जी नेक्स्ट देखो कौन देला नेक्स्ट देला कि रुबिस्को इज रुबिस्को गोटे कौन आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज आरयूबीपी ऑक्सीजनेज आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज आरयूबीपी कार्बोक्सी डाइसियो म्यूटेज तेबे सॉरी कार्बोक्सी डिसम्यूटेज तेबे आमर रुबिस्कोटा गोटे कौन तेबे यार आंसर कौन होमर रुबिस्को गोटे कौन ना ये आमर गोटे आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज तेबे यार आंसर कौन आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज तेबे नेक्स्ट जी नेक्स्ट देखो कौन देला नेक्स्ट आमर क्वेश्चन देला कि फास्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिसेप्टर इन सी फोर प्लांट इज आमर प्रथमे कार्बन डाइऑक्साइड कि सी फोर प्लांट रे किए रिसेप्टर करिथाय ऑप्शन ए पीजीए ऑप्शन बी पीपी ऑप्शन सी आरयूबीडी ऑप्शन नंबर डी ओए तेबे यार आंसर कौन होमर सी फोर प्लांट रे कार्बन डाइऑक्साइड को फास्ट किए रिसेप्टर करिथाय तेबे यार आंसर कौन होना पीपी तेबे यार आंसर आमर कौन हो गला ना पीपी तेब नेक्स्ट जी नेक्स्ट देखो कौन देला नेक्स्ट देला कि सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड एज डैश हुई इज ए डैश प्रोसेस कौन देला ना आमर सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को फ्रॉम द सिंपल ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आमर कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल कौन करना आम सिंथेसिस करिबा जहाँ कहा प्रेजेंस रे सनलाइट प्रेजेंस रे एंड क्लोरोफिल सनलाइट और क्लोरोफिल प्रेजेंस रे तबे आम कौन बोली से जो आम कौन बोली से जो प्रोसेसटा होता है से प्रोसेस को आम कौन बोली ऑप्शन ए फोटोसिंथेसिस एनाबोलिक ऑप्शन नंबर बी फोटोसिंथेसिस कैटाबोलिक ऑप्शन नंबर सी रेस्पिरेशन एनाबोलिक ऑप्शन नंबर डी रेस्पिरेशन कैटाबोलिक तबे यार आंसर कौन होमें कौन बोली तबे यार आंसर होमें फोटोसिंथेसिस बोली से जो प्रोसेसटा को आम एनाबोलिक प्रोसेस बोली तबे आम नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट कौन देला देखा नेक्स्ट देला कि ह्विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस एमानक भितर आमर लाइट फेज रे कौन प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस रे ऑप्शन ए एटीपी ऑप्शन नंबर बी एनएडीपीएच2 ऑप्शन नंबर सी बोथ एटीपी एंड एनएडीपीएच ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट तेबे आमर लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस रे कौन प्रोड्यूस होता है तेबे यार आंसर कौन हो बोथ एटीपी एंड एन ए टीपीएस तबे नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट देखो कौन देला नेक्स्ट देला कि द डोमिनेंट जेनेरेशन इन पेट्रिडोफाइट इट आमर डोमिनेंट जेनेरेशन टेरिडोफाइट रे कौटा आमर डोमिनेंट जेनेरेशन इन टेरिडोफाइट इज ऑप्शन ए स्पोरोफाइटिक ऑप्शन नंबर बी गैमिटोफाइटिक ऑप्शन नंबर सी जाइगोटिक ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस तबे यार आंसर कौन हो यार आंसर होमर कौन ना स्पोरोफाइटिक तबे नेक्स्ट जीवा
नेक्स्ट देखो कौन देला, नेक्स्ट देला कि व्हिच एग्जांपल गिवन बिलो इज नॉट रिलेटेड टू वास्कुलर प्लांट, एमन को भीतर को एग्जांपलटा तळे जे दिया है जे जहा कि हमर रिलेटेड नो वास्कुलर प्लांट संगे रे। तबे यार ऑप्शन नंबर ए रे कौन देला, ऑप्शन नंबर ए रे देला कि हमर कोन ना ल्यूकोफाइट्स, ऑप्शन नंबर बी रे देला टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन नंबर सी रे देला सीड प्लांट, ऑप्शन नंबर डी रे देला ब्रायोफाइट। तबे यार आंसर कोन हे जीवो, कोटा हमर ओडे एग्जांपल नो हे वास्कुलर प्लांट रो, तबे यार आंसर कोन हे जीवो ना ब्रायोफाइट, ऑप्शन नंबर डी यार आंसर हे जीवो ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट सिबा नेक्स्ट कौन देला देखिबा, नेक्स्ट देला कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच ऑफ अल्गल क्लास विथ इट्स कैरेक्टरिस्टिक रिजर्व फूड, आमे करेक्ट मैच करिबा कौन ना अल्गल क्लास रो तार रिजर्व फूड सहित। तबे ऑप्शन ए रे कौन देला, ऑप्शन नंबर ए रे देला कि क्लोरोफाइसी तार रिजर्व फूड किए स्टार्च, एटा हमर कौन अछि ठीक अछि। नेक्स्ट कौन देला फ्यूफाइसी मैनियोटोल ओ लामिनारिया, एटा भी हमर ठीक अछि। नेक्स्ट कौन देला देखो तो रोडोफाइसी जहार रिजर्व फूड किए फ्लोरीडिए फ्लोरीडियन स्टार्च, एटा भी मध्य ठीक अछि। तबे यार आंसर कौन हो जइबो, यार आंसर हे जइबो हमर कौन ना ऑल ऑफ दिस। तबे नेक्स्ट जिबा, नेक्स्ट देला कि द लिप्स बियरिंग स्पोरांजिया आर कॉल्ड, आमर जो लिप्स बियरिंग स्पोरांजिया गुड़िक थांती तांको आमे कौन बोली कही थांती, ऑप्शन ए स्पोरोफाइटिक, ऑप्शन बी एन्युलस, ऑप्शन नंबर सी स्पोरोफाइलस, ऑप्शन नंबर डी स्टोमियम। तबे लिप्स बियरिंग स्पोरांजिया मानको आमे कौन बोली कही थांती, तबे यार आंसर कौन हो जइबो, यार आंसर हे जइबो स्पोरोफाइलस, आमे तांको स्पोरोफाइलस बोली कही थांती। तबे नेक्स्ट जिबा, नेक्स्ट कौन देला देखंतु, नेक्स्ट देला कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जिबोलिन इज इनकरेक्ट, आमर जिबोलिन रिगार्डिंग रे को स्टेटमेंटा इनकरेक्ट अछि बा भूल अछि। तबे क्वेश्चन ऑप्शन गुड़िक देखिबा, जिबोलिक एसिड वाज वन ऑफ द फास्ट जिबोलिन, GA3 वाज वन ऑफ द फास्ट जिबोलिन टू बी डिस्कवर्ड, GA3 टा आमर फास्ट जिबोलिन जहाँ कि डिस्कवर्ड होइतिला। ऑल जिबोलिक आर एसिडिक, ऑल जिबोलिक एसिड आर एसिडिक, सॉरी ऑल जिबोलिन आर एसिडिक। नेक्स्ट कौन देला, दे इनक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट एक्सिस आज इन ग्रेप्स सुगर कैन इटीसी, से कौन करी था है ना इनक्रीज करी था है लेंथ ऑफ प्लांट एक्सिस लाइक आम ग्रेप्स सुगर कैन एम करो, दे प्रोमोट सेनेसेंस, सी आम सेनेसेंस प्रोमोट करी था है। तेब यार आंसर कौन हम आम भितर कौ ऑप्शन यार आंसर है कौटा आम इनकरेक्ट अच्छी। तबे एटा आमर कोटा आमर इनकरेक्ट अछि, आमर इनकरेक्ट अछि जे दे प्रोमोट सेनेसेंस, आउ सब आमर जिबोलिक रो सठिक अछि बट प्रोमोट सेनेसेंस टा आमर जिबोलिक एसिड करि न थाए, आमर जिबोलिन करि न थाए। GA3 इज वन ऑफ द फास्ट जिबोलिन टू बी डिस्कवर्ड, एटा आमर ठीक अछि। ऑल जीए आर एसिडिक, एटा मध्ये ठीक अछि। दे इनक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट एक्सिस एज इन ग्रेप्स सुगर कैन इटीसी, एटा मध्ये आमर ठीक अछि बट दे प्रोमोट सेनेसेंस एटा सी करि न थाए। तबे नेक्स्ट जिबा, नेक्स्ट कौन देला देखिबा, नेक्स्ट देखंतु कौन देला, नेक्स्ट भी हमर से प्लांट हार्मोन नो क्वेश्चन दि अछि। कौन देला देखंतु, द प्लांट हार्मोन यूज टू डिस्ट्रॉय वेड्स इन ए फील्ड इज, को प्लांट हार्मोन टाकु आमे यूज करिकि डिस्ट्रॉय करिथांति वेड गुरिक वेड फील्ड। तेबे ऑप्शन नंबर ए IA, ऑप्शन नंबर बी NA, ऑप्शन नंबर सी 2,4-D, ऑप्शन नंबर डी IVA। तेबे यार आंसर कौन हे जइबो, यार आंसर हे जइबो हमर कौन ना 2,4-D, 2,4-D की आम यूज करके कौन करते ना डिस्ट्रॉय करते वेड इन फील्ड्स। तेज नेक्स्ट जीवा, नेक्स्ट कौन देला देखिबा, नेक्स्ट देला कि जिंक इज कंसीडर्ड आज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लांट हार्मोन, कौन देला जिंक इज कंसीडर्ड एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लांट हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए रे कौन देला अब्सिसिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी रे देला इंडोल एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी रे देला जिबोलिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी रे देला नॉन ऑफ दिस। तबे कौन देला जिंक की हमें कंसीडर करी थांती एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लांट हार्मोन, तबे यार आंसर कौन हबो, यार आंसर हे जिबा हमर कौन ना इंडोल एसिटिक एसिड। तबे यार आंसर कौन हे गला इंडोल एसिटिक एसिड। तबे नेक्स्ट जिबा, नेक्स्ट कौन देला देखंतु, नेक्स्ट देला कि डे न्यूट्रल प्लांट रिलेटेड टू, डे न्यूट्रल प्लांट को हमें किपरि रिलेट करी थांती, ऑप्शन ए लॉस ऑफ एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम, ओवर एक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम, फ्लावरिंग इन ऑल पॉसिबल फोटो पीरियड, नो फ्लावरिंग इन एनी फोटो पीरियड। तबे डे न्यूट्रल प्लांट को हमें किपरि रिलेटेड करी थांती बा किपरि जानी थांती, तबे यार आंसर कौन हो जइबो, यार आंसर हे जइबो हमर ऑप्शन नंबर सी फ्लावरिंग इन ऑल पॉसिबल फोटो पीरियड, से सब फोटो पीरियड रे बा ऑल पॉसिबल फोटो पीरियड रे कौन करथाय ना फ्लावरिंग करथाय, ता द्वारा हमें डे न्यूट्रल प्लांट को रिलेटेड करि परिबा। तबे नेक्स्ट जिबा, नेक्स्ट देला कि
इंडोल थ्री एसिटिक एसिड कॉल्ड ऑक्सिन, इंडोल थ्री एसिटिक एसिड की आम ऑक्सिन बोली कही था, वाज फास्ट आइसोलेटेड फ्रॉम, यटाक आम फास्ट कौटू आइसोलेटेड करते, ऑप्शन नंबर ए ह्यूमन यूरिन, ऑप्शन नंबर बी कॉर्न जर्म ऑयल, ऑप्शन नंबर सी फ्यूजरियम, ऑप्शन नंबर डी राइजोपस। तेब यार आंसर कौन हो, इंडोल थ्री एसिटिक एसिड कॉल्ड ऑक्सिन वाज फास्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। तेब यहाँ आम कौट फास्ट आइसोलेटेड होता ह्यूमन यूरिन नु। तेब नेक्स्ट जी नेक्स्ट कौन देला देखु, द इफेक्ट ऑफ डिले ड्यूरेशन ऑफ लाइट एंड डार्क पीरियड ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट स्पेशली फ्लावरिंग इज कॉल्ड, कौन देला ना आमर जो इफेक्ट होता है डिले ड्यूरेशन टा लाइट एंड डार्क पीरियड रे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट रो सेटा जो फ्लावरिंग रे ताको हमें कौन बोली कहि थांदि, थर्मोटैक्सिजिन, थर्मोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, फोटोपीरियोडिज्म। तेब यार आंसर कौन हो, यार आंसर है आमर ऑप्शन नंबर डी फोटो पीरियडिज्म। तबे नेक्स्ट जीबा सॉरी ये क्वेश्चन टा दिथरा हमर टाइप हो जाइछ, द इफेक्ट ऑफ डिले ड्यूरेशन ऑफ लाइट एंड डार्क पीरियड इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट स्पेशली फ्लावरिंग इज कॉल्ड, कौन यार आंसर हो, यार आंसर हमर कोन हो गला ना फोटो पीरियडिज्म। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कोन देला देखंतु, नेक्स्ट देला कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट है कि ह्विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रोथ रेगुलेटर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट, ह्विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रोथ रेगुलेटर, एम भितर किए गोटे ग्रोथ रेगुलेटर जहाँ कि प्रोड्यूस्ड करता है प्लांट, ऑप्शन नंबर ए नेफ्थलिन एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी जियाटिन, ऑप्शन नंबर सी 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी बेंजाइल अमिनो प्यूरिन। तेब एमानक भितरु किए गोटे ग्रोथ रेगुलेटर जहाँ कि प्लांट प्रोड्यूस करिथाय, तबे यार आंसर कौन हो, यार आंसर होमर ऑप्शन नंबर बी जियाटिन, जियाटिन गोटे हूँ आमर कौन ना ग्रोथ रेगुलेटर जहाँ कि प्लांट प्रोड्यूस करिथाय। तबे नेक्स्ट जीबा नेक्स्ट कौन देला देखिबा, नेक्स्ट आमर देला कि द इंपैक्ट ऑफ लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी इंक्लूड, इंपैक्ट ऑफ लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी आमर कौन कौ कौ गुड़ा आमर इंपैक्ट बायोडायवर्सिटी रे लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी रे जहाँ कि इंक्लूड करा जाय छे, डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, प्लांट प्रोडक्शन को डिक्लाइन करिथाए, ऑप्शन नंबर बी रे देला लोअर रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंट परट्यूरबेशन, ऑप्शन नंबर सी रे देला इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी इन इकोसिस्टम पोजेसेस लाइक प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज एंड पेस्ट एंड डिजीज साइकल्स, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तेब यार आंसर कौन हो, यार आंसर होमर कौन ना ऑल ऑफ दिस। तेब नेक्स्ट जी नेक्स्ट कौन देला देखा, नेक्स्ट आमर क्वेश्चन कौन देला ना द रेड डाटा बुक रेकर्ड, आमर जो रेड डाटा बुकटा कौन रेकर्ड करिथाय, तेबे यार आंसर कौन हम, ऑप्शन गुड़िक देख स्पेसीज डाइवर्सिटी ऑफ वेटलैंड, लिस्ट ऑफ वाटर पल्यूटेंट, लिस्ट ऑफ थ्रेटनेड स्पेसीज, रेट ऑफ पॉपुलेशन डिक्लाइन। तेबे यार आंसर कौन हो, आमर रेड डाटा बुकटा कौन रेकर्ड करिथाय, लिस्ट ऑफ थ्रेटनेड स्पेसीज मानकर जो आमर लिस्ट की रेड डाटा बुक कौन करिथाय ना रेकर्ड करिथाय। नेक्स्ट जी नेक्स्ट देला कि इन योर ओपिनियन व्हिच इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कंजर्व द प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ एन एरा, कौन देला जे आमर कौटा गोटे आम ओपिनियन ने कौ कौटा गोटे इफेक्टिव वे जहाद्वारा आम कौन ना कंजर्व कर प्लांट डाइवर्सिटी की गोटे एरा रे बाय टिश्यू कल्चर मेथड, टिश्यू कल्चर मेथड रे बाय क्रिएटिंग बायोस्फीयर रिजर्व, आम बायोस्फीयर रिजर्व क्रिएटिंग करी कंजर्व कर परिबा, नेक्स्ट कौन देला बाय क्रिएटिंग बोटानिकल गार्डन, बाय डेवलपिंग सीड बैंक। तेब यार आंसर कौन हो, यार आंसर होमर बाय क्रिएटिंग बायोस्फीयर रिजर्व, आम बायोस्फीयर रिजर्व क्रिएट करी आम कौन कर ना कंजर्व कर परिबा प्लांट डाइवर्सिटी को। तेब नेक्स्ट जी नेक्स्ट देखते कौन देला, नेक्स्ट देला कि द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, कौन देला ना द टर्म यूज आम गोटे टर्म यूज करना आम जो ट्रांसफर पोलन ग्रेन गोटे आंथर रू आउ गोटे प्लांट स्टिग्मा को माने आउ गोटे प्लांट डिफरेंट प्लांट स्टिग्मा को व्हिच ड्यूरिंग पोलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा इज आम से कौन बोली कही था, ऑप्शन नंबर ए जेनोगामी, ऑप्शन नंबर बी गिटोनोगामी, ऑप्शन नंबर सी साजमोगामी, ऑप्शन नंबर डी क्लिस्टे
क्लिस्टोगामी तेरे यार आंसर कौन है जीवो यार आंसर है जीवो आमर ऑप्शन नंबर ए जेनोगामी तबे नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट कौन दला देखो तू नेक्स्ट आमर क्वेश्चन दला की इन एंजियोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आमर एंजियोस्पर्म मान करे जो ट्रिपल फ्यूजन हे थाए तार फॉर्मेशन ने तार जो फॉर्मेशन ने आमर रिजल्ट कोन आसे थाए ऑप्शन ए जायगोटिक न्यूक्लियस ऑप्शन नंबर बी पोलर न्यूक्लियस ऑप्शन नंबर सी सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑप्शन नंबर डी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस तेबे यार आंसर कौन है जीवो यार आंसर है जीवो आमर कौन ना प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस तेबे नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट कौन दला देखंतु नेक्स्ट दला कि ए टिपिकाली एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक आट मैच्युरिटी इज गोटे टिपिकाली एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक्टर मैच्युरिटी रे कौन आमर हेई थाए ऑप्शन नंबर ए 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल रे से हेई थाए ऑप्शन नंबर बी 7 न्यूक्लिएट एंड 8 सेल ऑप्शन नंबर सी 7 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल ऑप्शन नंबर डी 8 न्यूक्लिएटेड एंड 8 सेल तबे हर आंसर कौन हे जीवो 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल रो होटे हे थाए जेते बळे गोटे टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक टाइप मैच्युरिटी हे थाए तबे नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट कौन दला देखंतु नेक्स्ट दला की इन फ्लावरिंग प्लांट द पोलन ट्यूब फास्ट अराइविंग हमर जो फ्लावरिंग प्लांट मानकर पोलन ट्यूब टा फास्ट कोठो अराइविंग हे थाए ऑप्शन ए एग ऑप्शन बी एन एंटीपोडल सेल ऑप्शन नंबर सी ए सिनर्जी ऑप्शन नंबर डी सेंट्रल सेल तबे यार आंसर कौन हो जीवो यार आंसर हे जीवो हमर ऑप्शन नंबर ए सॉरी ऑप्शन नंबर सी सिनर्जी तबे नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट कौन देला देखंतु नेक्स्ट देला की ट्राइकोम्स आर ट्राइकोम गुड़ी को कौन ऑप्शन नंबर ए एपिडर्मल हेयर ऑफ स्टेम ऑप्शन नंबर बी आइदर सॉफ्ट और स्टीप ऑप्शन नंबर सी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस तबे ट्राइकोम गुड़ी को कौन तबे यार आंसर कौन हो जीवो ऑल ऑफ दिस एपिडर्मल हेयर ऑफ स्टेम आइदर सॉफ्ट और स्टीप ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड तबे नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट कौन दला देखिबा नेक्स्ट दला कि लेंटिसेल आर स्पंजी रीजन ऑन द सरफेस ऑफ सम वुडी ओल्ड स्टेम दैट फंक्शन इन कौन दला ना लेंटिसेल गुड़ी को अमर कौन ना स्पंजी रीजन ऑन द सरफेस ऑफ सम वुडी ओल्ड स्टेम दैट फंक्शन तार फंक्शन गुड़ी का अमर कौन है थाए क्वेश्चन कौन दला देख जो अमर जो लेंटिसेल थाए जो लेंटिसेल लो सरफेस रे किछि वुडी ओल्ड स्टेम थाए से गुड़ी कौन कौन ना स्पंजी रीजन रो है थांदी स्पंज टाइप रो है थांदी तबे तार फंक्शन टा एठी हम पचार छी कौन ऑप्शन ए गैसियस एक्सचेंज लागी ऑप्शन बी ट्रांसपिरेशन लागी ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी ऑप्शन नंबर डी वाटर कंजर्वेशन तेबे यार आंसर कौन हे जीवो यार आंसर हे जीवो हमर कौन ना बोथ ए एंड बी गैसियस एक्सचेंज लागी आउ हमर कौन ना ट्रांसपिरेशन लागी तेबे नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट दला कि फोलेन पारेनकाइमा इज सॉरी फ्लोएम पारेनकाइमा इज आबसेंट इन हमर फ्लोएन पारेनकाइमाटा कोठी आबसेंट थाए ऑप्शन ए मोनोकोट स्टेम ऑप्शन बी डाइकोट स्टेम ऑप्शन सी डाइकोट रूट ऑप्शन डी डाइकोट लीफ तेबे यार आंसर कौन हे जीवो यार आंसर हे जीवो हमर कौन ना मोनोकोट स्टेम नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट कौन दला देखंतु एग्जांपल ऑफ टिश्यू दैट आर फॉर्मड बाय रीडिफरेंशिएशन आर हमर कौन पचल छि छि ना गोटे टिश्यू रो एग्जांपल दियो जहा कि हमर कौन ना फॉर्मड हे थाए रीडिफरेंशिएशन द्वारा ऑप्शन ए सेकेंडरी जाइलम ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी फ्लोएम ऑप्शन नंबर सी कॉर्क सेल ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस तबे यार आंसर कौन हे जीवो तार एग्जांपल गुडी को किए तबे यार आंसर हे जीवो हमर कौन ना ऑल ऑफ दिस सबुतिको होजी हमर सेकेंडरी सॉरी हमर जो रीडिफरेंशिएशन द्वारा जो टिश्यू फॉर्मेशन हे दे तार एग्जांपल नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट तला की हार्ट वुड इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट हार्ट वुड रो हार्ट वुड को आम क्यारेक्टराइज करा भितर कौटा गोटे जहाँकि छाड़े आम हार्ट वुड को सब थे क्यारेक्टराइज कर बट से गोटे आम हार्ट वुड को क्यारेक्टराइज करें मैंने ये बेसिकली पचार कि यहाँ भितर तुम नेगेटिव कौटा अच्छी हार्ट वुड बाबद ऑप्शन ए प्रेजेन्स अफ टायोलोजेस आमर हार्ट वुड टायोलोजेस प्रेजेन्स थाए ऑप्शन नंबर बी प्रेजेन्स अफ टैनिन्स रेजिन्स ऑयल्स गम्स इटीसी इट कमर्सियल इम्पोर्टेंट फॉर टिम्बर एक्टिव इन वाटर कंडक्शन तेबे यार आंसर कौन हो जीवो एक्सेप्ट मैंने कौटा यहाँ हो एक्सेप्ट है ऑप्शन नंबर डीटा एक्टिव इन वाटर कंडक्शन नम हार्ट वुड को आम क्यारेक्टराइज उपर जो तीन टाइम देना जो प्रेजेन्स अफ टाइलोज आउ प्रेजेन्स अफ टैनिन रेजिन ऑयल गम्स इट कमर्सियल इम्पोर्टेंट फॉर टिम्बर ए सबू आम करेक्स्ट जा नेक्स्ट कौन देखा नेक्स्ट है कि
इन हुईज प्लांट स्टेम इज मोडिफाइड इंटू फ्लाटेड स्ट्रक्चर, कौ प्लांटर स्टेमटा गोटे मोडिफाइड होता है आमर फ्लाटेड स्ट्रक्चर रे, दैट कंटेंट क्लोरोफिल एंड क्यारी आउट फोटोसिंथेसिस। ये कौन ना क्लोरोफिल कंटेंट करारी आउट करें फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन ए ओपनसिया, ऑप्शन नंबर बी यूफोरबिया, ऑप्शन नंबर सी पोटाटो, ऑप्शन नंबर डी टर्मेरिक। तेज यार आंसर कौन हो यार आंसर होमर ऑप्शन नंबर ए ओपनसिया। नेक्स्ट जी नेक्स्ट कौन दे देखा नेक्स्ट आमर दे कि द ब्रांच ऑफ बॉटनी डीलिंग विथ स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड फीचर्स ऑफ प्लांट इज आमर कौन देना ब्रांच ऑफ बॉटनी, बॉटनी रे गोटे ब्रांच जी की डील करी थाए कौन स्टडी करी थाए एक्सटर्नल फॉर्म्स ऑफ फीचर्स ऑफ प्लांट तेबे ताकू आमे कौन बोली कही थांती। ऑप्शन ए साइटोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी मॉर्फोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी टैक्सोनॉमी, ऑप्शन नंबर डी एनाटॉमी। तेबे यार आंसर कौन होइजिबो ऑप्शन नंबर बी मॉर्फोलॉजी। तेबे नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट कौन देला नेक्स्ट देला कि प्लासेंटा एंड पेरिकार्प आर बोथ एडिबुल पोर्सन इन प्लासेंटा आउ पेरिकार्प दुटा एडिबुल पोर्सन कहार। ऑप्शन नंबर ए आपल, ऑप्शन नंबर बी बनाना, ऑप्शन नंबर सी टोमाटो, ऑप्शन नंबर डी पोटाटो। तेज यार आंसर कौन हो प्लासेंटा एंड पेरिकार्प आर बोथ एडिबुल पोर्सन इन कौटी ऑप्शन नंबर सी टोमाटो रे। नेक्स्ट जी नेक्स्ट कौन देला देखु नेक्स्ट है कि द कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जनरली इन ए पेयर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल इन टैक्सोनॉमी की आर रेफर टू अस गोटे कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जनरली इन ए पेयर यूज होता है कौन ना आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल एंड टैक्सोनॉमी की ताकू आम कौन बोली कही था। ऑप्शन नंबर ए लीड, ऑप्शन नंबर बी क्यूबलेट, ऑप्शन नंबर सी डबललेट, सॉरी ड्यूबलेट, ऑप्शन नंबर डी अल्टरनेट। तेज यार आंसर कौन हो यार आंसर होमर कौन ना क्यूबलेट। नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट कौन देला देखो नेक्स्ट देला कि द डिविजन इज प्लेस्ड बिटवीन आमर डिविजनटा क्या भितर प्लेस थाए जिनस आउ अर्डर भितर क्लास आउ किंगडम भितर स्पेसीस एंड फैमिली भितर अर्डर एंड किंगडम भितर। तेज यार आंसर कौन होमर डिविजनटा कौ प्लेस थाए क्लास आउ किंगडम भितर। तेज नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट है कि इनक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ अब्सिसिक एसिड स्टिमुलेट इनक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ अब्सिसिक एसिड आमर जो इनक्रीज होता है अवेलेबिलिटी ऑफ अब्सिसिक एसिडटा ताकू कौन स्टिमुलेट करी थाए। ऑप्शन ए लिपिड फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी कौन देला प्रोटीन फॉर्मेशन इन सेल, ऑप्शन नंबर सी रे देला स्टार्च सिंथेसिस इन गार्ड सेल, ऑप्शन नंबर डी रे देला सेलुलोज सिंथेसिस। तेबे यार आंसर कौन हबो यार आंसर आमर हो ना स्टार्च सिंथेसिस इन गार्ड सेल। तेज नेक्स्ट जीवा आज लास्ट क्वेश्चन कौन देला देखो आज लास्ट क्वेश्चन आमर देला कि इन ऑल द प्लांट ऑफ द वर्ल्ड डाए ऑल द एनिमल विल आल्सो डाए ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ जदि आमर मान प्लांट गुड़िक वर्ल्ड सब डाए कर जाती ऑटोमेटिकली एनिमल माने मध्ये डाए करि जेबे तबे कौन शॉर्टेज माई से माने डाए माने मरि जेबे। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। तबे यार आंसर कौन हो यार आंसर होमर कौन ना ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन लगे जदि आमर कौन ना जदि ऑल द प्लांट वर्ल्ड रे डाए हो जाती सबुतिक प्लांट वर्ल्ड रे डाए हो जाए तेज ऑटोमेटिकली एनिमल माने भी डाए हो जाए कारण ना ऑक्सीजन रो शॉर्टेज हो प्लांट गुड़िक सब डाए हो जाए। तेबे 45 रु आपण माने केते स्कोर कले निहाती हम कमेंट सेक्शन ने जणाइबे आपण माने 45 रु केते केते सब स्कोर कले निहाती जणाइबे। तेबे क्लास टी भलो लागितिले निहाती लाइक शेयर आ सब्सक्राइब कर देबे ओ कमेंट माध्यम रे निहाती हमको जणाइबे। एग्जाम जेहेतु बहुत कम दिन रहिला प्रैक्टिस करिनेबे तेबे आजर क्लास टी को एठी रखिबा। नमस्कार, थैंक यू।